यस सर, कर रहे सर। हाँ बाबू चल अब मन से पढ़ते, अब मन से पढ़ते, अब टाइम नहीं बाबू, 5 मिनट मेरा यूज कर लिया आप लोग, अब मन से पढ़ो। देखो बाबू हम क्या पढ़ा रहे थे, कनकेव मिरर में, बाबू कनकेव मिरर में आपका कैसा इमेज बनेगा, फोटो आपका ये जो शक्ल का कैसा इमेज बनेगा वही बता रहे थे, वही बता रहे थे। तो आपको कल वीडियो दिखा दिए थे बाबू, है ना, 6 वो केस का वीडियो दिखा दिए थे। अब सारा केस को बाबू सर वो आपको छह हम वो केस लिखा, हम लोग को वीडियो से फेयर बनाना है। नहीं बाबू अभी हम लिखा देते, अभी लिखा देते, ज्यादा हम आप लोग पे बर्डन नहीं देंगे, ठीक है ना। तो लेकिन हाँ 6 वो केस आपको याद रखना बाबू, 6 वो का 6 वो केस याद रखना। तो ये भी कौन सा मिरर था सर, कनकेव मिरर था, ऐसे करके देखते तो एक मेरा कनकेव मिरर हो गया ना, कनकेव मिरर, फिर उसके बाद कन्वेक्स मिरर आ जाएगा, इसी को ऐसे करके देखो, ऐसे करके ऐसे करके, तो ये जो उभरा हुआ पार्ट इधर से अगर फेस में रखेंगे तो मेरा कैसा आ जाएगा, कन्वेक्स मिरर आ जाएगा। तो अभी बाबू वो एक एक केस लिखा दिए थे, केस सेकंड, केस थर्ड, फोर्थ, 6 वो लिखा देते, उसके बाद कन्वेक्स मिरर का बताएंगे, है ना, उसके बाद मिरर फार्मूला आएगा, फिर लेंस बताएंगे, चश्मा 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 के बारे में बताएंगे, फिर चश्मा का फॉर्मूला आएगा, है ना बाबू। और उसके बाद बाबू फिर आप किसी भी बुक से बनाओ, 7 का रहे 8 का रहे 9 का रहे 10 का रहे, किसी भी बुक से बनाओ, आराम से क्वेश्चन कवर हो जाएगा, है ना। अब कुछ नहीं है, LKG का चीज है ना बाबू, सब बेसिक बेसिक चीज है, ठीक। तो केस नंबर सेकंड बाबू, केस नंबर सेकंड, केस नंबर क्या बाबू, सेकंड है, केस नंबर क्या, सेकंड है ना, सेकंड केस है ना, ठीक है। बहुत ओम शर्मा कर रहा है ये, अंशुजीत बाबू, प्रकाश सिंह, ये सब सर मैं शैतान क्या स्कूल किया से सर? क्या सर 2 मिनट बोला रुक गया, 2 मिनट। सर वो चूस रहा है। बाबू चलो ठीक है ना, शैतानी मत करो। केस टू बाबू, व्हेन द ऑब्जेक्ट बाबू, देखो समझो समझो, एक बार समझा देते, एक बार समझा देते, है ना, समझा देते एक बार, समझो पीयूष बाबू। हमने क्या लिया सर, एक कनकेव मिरर लिया, देखो क्या एक्चुअली फिनोमिनन होता क्या चीज, फिनोमिनन होता क्या चीज इसमें, है ना, एक कनकेव मिरर लिया सर, है ना सर, ठीक है। कनकेव मिरर के बीच वाला पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, पोल कहेंगे, ये सब चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। ये कनकेव मिरर बाबू किसी ना किसी स्फेयर से कट करेंगे, किसी ना किसी बाबू क्या करेंगे, स्फेयर से कट करेंगे, किसी ना किसी स्फेयर से कट करेंगे ना, मान लो ये मेरा क्या बाबू गोला है, स्फेयर है ना, तो ये मान लो पूरा अगर बाबू ये इसमें अगर आपका चेहरा दिखाई दे रहा है तो ये क्या कैसे कैसा हो जाएगा, स्फेयर का मिरर हो जाएगा, इसी से इतना सारा पार्ट कट करके निकाल दिए, है ना। तो इधर अगर फेस देख रहे हो, धसे हुए पार्ट में फेस देख रहे हो तो कनकेव हो जाएगा, इधर से अपना अगर फेस देख रहे हो तो कैसा हो जाएगा, कन्वेक्स हो जाएगा। तभी हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, बोला कनकेव मिरर पढ़ रहे हैं ना, कनकेव मिरर पढ़ रहे। तो कोई ना कोई स्फीयर का ये बाबू गोला होगा ना, किसी ना किसी स्फीयर से क्या होगा, कटेगा, है ना कोई कटेगा। तो उस स्फीयर का जो सेंटर होगा, उस स्फीयर का जो सेंटर होगा, उस स्फीयर का जो सेंटर होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे, है ना। तो वही सेंटर इसका क्या होगा, कनकेव मिरर का हो जाएगा, ठीक सर। और पीसी को बाबू, पीसी को क्या करो, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करा दो, पीसी को बाबू क्या करो, एक स्ट्रेट लाइन से क्या कर दो, ज्वाइन कर दो, ज्वाइन कर दो, है ना, एकदम आराम से समझना। तो क्या हो गया, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, है ना बाबू, पीसी को ज्वाइन किया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक। ये प्रकाश सिंह कहाँ बंद है बाबू, प्रकाश सिंह अभी इसके पापा से बात सर 2 मिनट रुक गए, 2 मिनट बैठ रहे हैं सर, आपका वीडियो रुक रुक कर आ रहा है। यस सर, हां बाबू, यस सर, हां सर, जानवी सर, ठीक हो गया सर। अच्छा चलो, हाँ सर सौम्या, यस सर, चलो ठीक, अब ठीक हुआ बाबू, आपको नहीं पता चल रहा है सौम्या सर, अभी पढ़ाएंगे तो पता चलेगा ना सर कि रुक रहा है कि नहीं रुक रहा है, तब पता चलेगा। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, अब ठीक हो गया, अब ठीक हो गया, ठीक, वही सिस्टम कनेक्टेड। अब बाबू इसमें क्या करेंगे, अब शांति से सुनो, ठीक है। फिर नारायण उधर गप करने शुरू कर दिया, बाबू इधर बोर्ड है, उधर क्या देखते हो, 1 मिनट आप इधर उधर देखोगे हमको सब पता चलता है, पढ़ाते भी आपको देखते भी है, ठीक है। ये बाबू मेरा क्या हो गया, कनकेव मिरर हो गया, ठीक सर, कनकेव मिरर, है ना, इतना केयर आपको कोई नहीं करेगा, पृथ्वी वाला कोई चूट नहीं करेगा, वो भी ऑनलाइन, ठीक। अब इधर से क्या करेंगे सर, इस पे बाबू टॉर्च ऑन करेंगे, इस पे लाइट इंसिडेंट कराओ, क्या करो, लाइट पैसे इंसिडेंट करा, है ना, इस पे क्या करो, लाइट पैसे इंसिडेंट करा, है ना। तो पहला केस हम लोग क्या लेंगे सर, पहला केस हम लोग क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या रखेंगे, बहुत दूर रखेंगे, बहुत दूर, मान लो कि सन से रे ऑफ लाइट आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, सन से आ रहा है, तो वहां से अगर रे ऑफ लाइट को हम लोग कैसे जूम करेंगे, वो पर्लर ही जूम करेंगे, पर्लर ही जूम करेंगे, पर्लर, ठीक है, हाँ बता चुके थे, ठीक। 2 गो रे ऑफ लाइट ले लेते हैं सर, 2 गो रे ऑफ लाइट ले लेते हैं, ठीक सर। तो बाबू इस पॉइंट से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा बाबू, इस पॉइंट से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से कट करेगा बाबू, है ना, ये फोकस होगा, ये भी रिफ्लेक्ट होकर इधर जाएगा, तो इस पॉइंट हम लोग क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। तो हमेशा बाबू रिफ्लेक्टेड रहे, रिफ्लेक्टेड रहे बाबू, जहां पे कट करेगा, जहां पे कट करेगा वही इमेज बनेगा। और इमेज फॉर्मेशन के लिए, इमेज फॉर्मेशन के लिए बाबू हमेशा ध्यान देना, 2 रे लेना, जब भी बाबू कनकेव मिरर में आपको इमेज बनाना, फोटो बनाना, तो कितना दे लेना, 2 रे लेना, है ना बाबू। तो आपको रूल बताए थे कनकेव मिरर बाबू, रूल बताए थे कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास करेगा। तो ये फर्स्ट केस था, ठीक। अब सेकंड केस, सेकंड केस, सेकंड केस,
सेकंड केस क्या था, वो अब ऑब्जेक्ट बहुत दूर में है, ऑब्जेक्ट बहुत दूर, अब ऑब्जेक्ट बहुत धीरे धीरे नजदीक लाए, धीरे धीरे क्या लाया, नजदीक लाया, नजदीक लाया। जैसे मान लेते बाबू हम एक कैंडल ले लेते, क्या लेते शैतान, कैंडल ले लेते, है ना, कैंडल ले लेते, ठीक, कैंडल ले लिए, है ना, ठीक सर, ठीक सर, मान शांति से समझो, ठीक है ना, कैंडल ले लिए बाबू, मार्कर भी खत्म, है ना। अब इस कैंडल से क्या चलेगा, रे ऑफ लाइट चला सर, कैंडल से क्या चला, अब हम ये, अब ये जानना चाहते सर, इस कैंडल का जब हम कनकेव मिरर में इमेज देखेंगे, कनकेव मिरर में इमेज देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, कैंडल छोटा दिखाई देगा कि कैंडल बड़ा दिखाई देगा कि उल्टा दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा, कहाँ पे बनेगा, है ना। तो इसी को हमको रे डायग्राम से समझाना है, कल वीडियो तो दिखा दिए, कल वीडियो आपको दिखा दिए थे ना, वीडियो दिखा दिए थे, अब रे डायग्राम से इसी को समझाना, इसी को समझाना है ना, इसी को समझाना, ठीक है ना। तो हमेशा बाबू अब देखो शांति से सुनना, समझना बाबू, इस कैंडल से हम लोग क्या निकालेंगे, दो गो रे लाइट निकालना, हमेशा इमेज फॉर्मेशन के लिए दो रे लाइट लाना, ठीक, एलकेजी का चीज है, ठीक है ना, ठीक। तो पहला रे ऑफ लाइट हमेशा कैसे करना बाबू, प्रिंसिपल कैसे इमेज बनाओगे, इमेज कैसे बनाओगे, हमेशा ये सुनो, पहला रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेगा, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इसका पैरेलल हो गया, ठीक, इससे रे ऑफ लाइट निकला, है ना। तो रिफ्लेक्शन के बाद इस पॉइंट से रिफ्लेक्शन होगा, तो आपको बताया बाबू कोई भी रे ऑफ लाइट, वो रूल में बताएं कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से पास करेगा, फोकस से, इस पॉइंट से बाबू कट होकर कहां पास किया, फोकस से, है ना, कहां से पास किया शैतान, फोकस से, मन से पढ़ना, फोकस से पास किया, ठीक, ठीक है सर, ठीक है सर। ये हो गया बाबू एक रिफ्लेक्टेड रे और ये हो गया इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे हो गया, ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, वो कह नहीं रहा, ठीक है ना, सर आ रहा है सर, सर उसका नेट खत्म, नारायण डाटा बच रहा है बाबू, नारायण आज उसका वीडियो ऑन है तभी देखो ना क्या क्या होगा, नारायण बाबू डाटा बच रहे, नारायण डाटा बच रहे हैं बाबू, हाँ सर अभी 150 MB बच रहा है। अच्छा अच्छा, तो कैसे इशू हो गया बाबू, अभी चक्रवात भी नहीं आया आपके यहाँ, सर गलती से पापा वाला से कनेक्ट हो गया था जो शायद इससे, हाँ देखे, अच्छा देख पहले किसे कर रहे थे उसी से कीजिए, ठीक है ना, देखिए थोड़ा कनेक्ट होकर, लेकिन अभी आज आज आपका वीडियो भागेगा नहीं, ठीक है ना, वो टेंशन मत लीजिए, ठीक है, ठीक है सर। तो पहला रे ऑफ लाइट वो कैसे करना, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लेके जाना, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा, और दो गो रे ऑफ लाइट लेना, दो गो रे ऑफ लाइट लेना, है वो इमेज फॉर्मेशन के लिए दो रे ऑफ लाइट, तो एक रे ऑफ लाइट और कहाँ से लेंगे सर, तो एक बाबू आपको जहाँ इच्छा वहां से पास करवा दो, तो मान लेते सर एक रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवा देते, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवा दे, है ना। तो आपको बताया था वो कोई भी रे ऑफ लाइट वो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा तो उसी पाथ को रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से जाएगा, उसी पाथ को ट्रेस करेगा, मार्कर हो क्या गया ऐसे तनु क्यों नहीं रहा, ठीक है बाबू। कोई भी रे ऑफ लाइट हो, कोई भी रे ऑफ लाइट हो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या हो रहा है, पास हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है, ऐसे गया टॉर्च को एक बार ऐसे रखो ना शैतान, ऐसे रखो ना, तो रे ऑफ लाइट क्या जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे पास होगा, है ना। तो ये रिफ्लेक्ट इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होगा, इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर कहां जाएगा, तो इसी पाथ को क्या करेगा, रिट्रेस कर लेगा, इसी पाथ को क्या करेगा, रिट्रेस करेगा, ठीक है। अब शांति से सुनना, अब इमेज कैसे बनेगा, अंशुजीत क्या कर रहा है शैतान, फिर ये गेम खेलने लग गया, इसका पापा को आज फोन करते हैं, बहुत गेम खेलता है, नहीं सर गेम थोड़ी ना खेलते हैं, तो क्या कर रहा था, चाहे व्हाट्सएप कर रहा था, नहीं सर कुछ तो कर रहे थे बाबू, ऐसे कैसे है, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे हो गया बाबू, रिफ्लेक्ट होने के बाद इसी पाथ से रिटर्न हो जाएगा, ठीक सर। तो जो रिफ्लेक्टेड रे जहां पे काट करेगा वहीं पे क्या बनेगा, फोटो बनेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इमेज बनेगा। तो एक रिफ्लेक्टेड रे यहाँ कट गया सर, ये रिफ्लेक्ट यहाँ है और दूसरा रिफ्लेक्टेड रे यहीं पे कट करा, तो इमेज मेरा यही बनेगा। तो इस कैंडल का इमेज कैसे बन जाएगा, वो उल्टा बन जाएगा, इस कैंडल का इमेज कैसा बन जाएगा, उल्टा बन जाएगा, उल्टा बन जाएगा, उल्टा बन जाएगा, ठीक है। तो अब ये हो गया सेकेंड केस, ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा बाबू, बियॉन्ड से, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर रखे बाबू, तो उसका इमेज कैसा बन रहा है सर, उल्टा बन रहा। तो उल्टा को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, इन्वर्टेड कहते हैं, इंग्लिश में हम लोग उल्टा को क्या कहेंगे, इन्वर्टेड कहेंगे, ठीक। कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता रहे हैं इमेज का, ठीक। इमेज इतना बड़ा था सर, इतना बड़ा था इमेज, फोटो कितना सा बना, इतना बड़ा, इतना छोटा बना, छोटा बना, तो क्या बना, छोटा बना। तो इमेज कैसा बना, छोटा बना, तो क्या लिखना बाबू, स्मॉल इन साइज। मार्कर बाबू क्या हो गया सर, मार्कर हल्का हो गया, क्या इमेज बनेगा बाबू, स्मॉल इन साइज। इमेज का साइज कैसा होगा बाबू, छोटा इन साइज, है ना, स्मॉल इन साइज, है ना, कैसा बनेगा, स्मॉल इन साइज, ठीक, ठीक सर। कहाँ बनेगा सर, कहाँ इमेज बन रहा, तो देखो इमेज कहाँ बन रहा है सर, तो ये मेरा फोकस है, ये क्या बाबू, फोकस है, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो एफ एंड सी के बीच बन रहा है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच बन रहा है ना, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के क्या बच रहा है, बीच बन रहा है। ए अंशुजीत ये फिर व्हाट्सएप करने लगा, इसका पापा का शाम को जरूर कहेंगे,
तो कैसे बंद हो रहा है बाबू? कुछ व्हाट्सएप कर रहे हो या यूट्यूब खोले तब ना बंद हो रहा है? ऐसे कैसे बंद हो जाएगा? कुछ कर रहे हो तब ना बंद हो रहा है जी? आप हम ही को पढ़ा रहे हो, इतना जूम इतना सारा, हाँ इतना सारा इंजीनियरिंग आदमी खट रहा है बाबू, पता नहीं कितना का सैलरी, लाख रुपया, कितना का सैलरी, 2 लाख है आपको ऑनलाइन जो क्लास हो रहा है, इसके पीछे बहुत सारा आदमी मेहनत कर रहा है और उसमें आप कह रहे हो सर हम कुछ नहीं कर रहे हैं। जो कुछ नहीं कर रहा उसका देखो शकल दिखाई दे रहा, जो कुछ कर रहा है उसका शकल दिखाई नहीं देता है, ठीक? नहीं तो फिर आपको आपको भी नारायण के पापा के जैसा बैठवा देंगे, ठीक है ना, पापा के सामने देखो कैसे होता है, ठीक? तो आपको इसमें क्या याद रखना है, इसमें क्या याद रखना है सर, इसमें याद रखना है बाबू कि इमेज कैसा बनेगा, छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा, और कैसा इन्वर्टेड होगा, है ना बाबू, सीधा होगा कि उल्टा होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या याद रखना कि जब बाबू ऑब्जेक्ट को कहा सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर रखते हैं बाबू, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर रखते बाबू, तो इमेज मेरा कैसा बनता सर, इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बनेगा, साइज में कैसा होगा, छोटा होगा सर, ठीक है ना। और देखो रिफ्लेक्टेड रे सही में कट करा ना, तो कहीं भी बाबू रिफ्लेक्टेड रे अगर सही में कट करता तो इमेज मेरा कैसा होता, रियल होता, इमेज कैसा होता, रियल होता। आपको बताएं बाबू टाइप्स ऑफ इमेज में बताएं, 2 टाइप्स का इमेज होता है, एक रियल होता है, दूसरा क्या होता है, वर्चुअल होता, ठीक है ना। तो रियल में बाबू रिफ्लेक्टेड रियल में कट करा तो इमेज कैसा होगा, रियल होगा, रियल होगा, है ना बाबू। कहाँ बनेगा सर, तो एफ और सी के बीच बनेगा, फोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच बनेगा। हाँ ओम शर्मा, हाँ ओम शर्मा, नहीं सर, अच्छा ठीक है, चलो आपका ठीक हुआ नारायण, नारायण बाबू, नारायण आपका ठीक, मेरा वीडियो ऑन, नहीं ठीक हुआ, क्लियर दिख रहा है? हाँ सर अभी की, हाँ चले क्लियर दिख रहा था, पढ़िए ठीक है ना, वो हमको सब पता है आप लोग का। अब देखो इस पे अंशुजीत पे थोड़ा सा प्रेशर डाले तभी उसका वीडियो खराब होने लगा, ये सब शक्ल से जानते हो मासूम रहता है, ठीक है। तो ये सेकंड केस हो गया, क्या हो गया वो सेकंड केस हो गया, ठीक। थर्ड केस क्या कहता सर, अब ऑब्जेक्ट को पहले यहाँ रखे बाबू, नेक्स्ट क्या कहता सर, ऑब्जेक्ट को और नजदीक ला, तो नजदीक कहाँ, फिर सेकंड केस में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे, ठीक है बाबू। उसके बाद ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल के बीच में रखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे सर, फोकस पे रखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे सर, पी और एफ के बीच में रखेंगे। तो यही 6 केस होगा। पहला केस ऑब्जेक्ट को सर दादी घर में, फिर धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को कहाँ लाए, नजदीक लाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर रखेंगे, तो इमेज कैसा बनेगा, उसका कैसा नेचर होगा। फिर ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखो, ऑब्जेक्ट मान लो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इसको कहाँ रखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखो, ये थर्ड केस हो गया। फोर्थ केस क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ पोल के बीच रखो ऑब्जेक्ट को, ठीक। फिफ्थ केस क्या होगा, पोल पे फोकस पे रखो, और थर्ड केस मेरा क्या होगा, पोल और फोकस के बीच में रखो। ये 6 केस आपको पढ़ना है कनके मिरर में ना। तो बाबू एक केस लिखा दिए थे, दूसरा अभी लिखाते हैं बाबू, लिखाते हैं ना दूसरा, इसी करके लिखाते हैं ना। तो दूसरा केस लिखो शैतान, ये सब की तो पढ़ेगा नहीं, क्लियर दिख रहा है, क्या दिख रहा है सर, नया डायग्राम बनाइएगा। हाँ बाबू, हाँ फ्रेश बनाएगा ना सर, नेक्स्ट। हाँ बाबू, बहन बाबू सर, आप अभी सर जो बाकी का केस है वो आप लिखवाएंगे? हाँ बाबू लिखा रहे हैं बाबू, बहन बाबू केस नंबर 2, बहन द ऑब्जेक्ट इज बाबू, ऑब्जेक्ट इज बाबू बियॉन्ड सी, केस नंबर 2 लिखते चलो शैतान, लिखते चलिए, लिखते चले, लिखने का टाइम नहीं देना, समझा चुके, वीडियो भी दिखा चुके बाबू, समझा भी चुके, इंक खत्म हो गया बाबू, रुको इंक डालने दो थोड़ा सा। क्लास 10 का सबको एसी वर्मा का बुक खरीद लेना, गलती से उसमें 10 लिख दिया एक्चुअली बाबू, है तो अच्छी बात है, मेरे पास भी 10 का सर, देखिए सर ओम शर्मा भैया बात कर रहे हैं सर। तो क्लास 10 वाला खरीद लेना, वो गलती से 10 लिख दिया सर, है मेरे पास सर, वही पूछ रहा था अपने भैया से, मेरे भैया पास है कि नहीं। अच्छा बातें करे में तो गोल गोल करोगे, ठीक है। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट लिखो, देन द ऑब्जेक्ट इज बाबू बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट कहाँ रखे सर, बियॉन्ड सी रखे, बियॉन्ड सी। अरे अपना देखे बाबू, मेरा तो ऑन है ना सर। हाँ बाबू चलो ठीक है, पढ़ो मन से। ठीक है लिखो, लिखो लिखो, इससे पहले डायग्राम बना सर। हाँ बाबू सबको खरीदना, बाबू सबको खरीदना, ज्यादा नहीं है, 100 रुपया का तो बुक कैसे था, 100 रुपया 150 का, ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। इसका डायग्राम कैसे बनेगा सर, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे बाबू, बियॉन्ड सी रखे, तो ये क्या हो गया बाबू, कनकेव मिरर हो गया। डायग्राम आप लोग को अपने खुद बनाते चलना, ठीक है। इसका बीच में बाबू होगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दो बाबू इस तरह से, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस,
ये हो गया पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हो गया फोकस। ठीक, रे ऑफ लाइट को हम कहां रख, हाँ हाँ डायग्राम बनाते चलिए, ठीक है, नाटक मत कीजिए। मान लो यहाँ पे हमने क्या रखा बाबू, एक कैंडल रखा, ठीक ठीक सर, तो कैंडल रखा हुआ, तो ये कैंडल का क्या हो गया, फ्लेम हो गया, है ना, ठीक ठीक सर। यहाँ से क्या चले बाबू, रे ऑफ लाइट चला, यहाँ से क्या चला, इसी बार में कौन सा सर, मैथ वाला सर, अरे फिजिक्स का बाबू, फिजिक्स का, मैथ का इसी बार में नहीं आता है। यहाँ से क्या चले बाबू, रे ऑफ लाइट चला, रे ऑफ लाइट चला सर, इंक डिम दिख रहा है अभी, आपको क्या क्या दिखेगा सीता सर, आप एक मार्कर का सेट ले लीजिए। अरे नहीं बाबू, लगता कैप खुला हुआ रह गया था इसीलिए ऐसा हो रहा। ठीक है, यहाँ से रे ऑफ लाइट चला बाबू, तो जब पैरेलल रे ऑफ लाइट अगर जा रहा बाबू, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास करेगा, फोकस से, तो ये फोकस से पास कर गया। ठीक, हमेशा दो रे ऑफ लाइट लेना इमेज बनाने के लिए, हमेशा दो को लेना। ठीक, दूसरा रे ऑफ लाइट कैसे लेंगे सर, दूसरा मान लो बाबू सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवा दो, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो इसी पाथ से क्या होगा, रिट्रेस हो जाएगा, तो रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पे कट करा बाबू, रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पे कट करा, तो रिफ्रैक्टेड रे दो को रिफ्रैक्टेड रे जहां पे कट करेगा वहीं इमेज बनेगा, तो इस कैंडल का इमेज यहाँ बन जाएगा, है ना। ठीक, बनाए जाए, बना बाबू बना, तो इस कैंडल का इमेज आपका यहाँ बन जाएगा, है ना, उल्टा बन जाएगा, ठीक है ना, ठीक है सर, ठीक है, तो ये इमेज हो गया, ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया सर, उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा, हाँ बाबू, तो ऑब्जेक्ट हो गया सर, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का इमेज हो गया, इमेज हो, है ना, इमेज हो गया। ठीक, बाकी सब ये इंसिडेंट हो गया, हो गया, ये रिफ्लेक्टेड हो गया, है ना, ये भी रिफ्लेक्टेड है, इसी पास हाँ बाबू, कल आप लोग का टेस्ट, हाँ मंथली टेस्ट बाबू, आप लोग का बाबू टाइम टेबल भेज दिए, बैच बी का टेस्ट बाबू कितना बजे से, 7:10 से, है ना, आप लोग का टेस्ट 7:10 से, अब बीच में डी वाला है, अटेंडेंस वाला भी लेंगे सर कल ही, सब उसी में, पहले इस एगो तो होने दो बाबू, द रेज बाबू, सब उसी में, मतलब सर जो मंथली टेस्ट प्राइस जीत गया वो अटेंडेंस वाला भी जीत जाएगा, अलग अलग टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, नहीं सर, अलग 200 अलग देंगे और उसको अलग देंगे बाबू, ऐसे कैसे होगा, द रेज आपका रिफ्लेक्शन बाबू, वैसे तो अलग टेस्ट भी अलग लेंगे बाबू, अटेंडेंस वाला का 5%, द रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन सर, तो इस बार अटेंडेंस में कौन कौन है, अच्छा ठीक बताएंगे, द रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन बाबू, द रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फॉर्म एन इमेज, फॉर्म एन इमेज बाबू, इमेज बाबू एफ एंड सी कहाँ बनेगा सर, फोकस एफ और सी क्या है सर, फोकस है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, बार बार कितना लिखते रहेंगे, फॉर्म इमेज बिटवीन एफ एंड सी, ठीक है बाबू, लिख दे शैतान, लिखो बाबू बिटवीन बाबू, अरे सर फोकस बाबू एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, है ना, कहाँ बनेगा सर, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच बनेगा, अब इसका नेचर कैसा हुआ, द इमेज फॉर, जल्दी से लिखो, द इमेज फॉर एज डिमिनिश्ड बाबू, मतलब स्मॉल इन साइज, डिमिनिश्ड बाबू स्मॉल इन साइज, ठीक है, कुछ नहीं बाबू, एलकेजी का चीज है, ठीक है ना, आपको फर्स्ट मैंने थर्ड फोर्थ क्लास तक पढ़ा देना चाहिए था, क्या करें, नेक्स्ट बाबू रियल, ठीक है बाबू, एंड कैसा होगा सर, इन्वर्टेड होगा, फिजिक्स में लाइट में बाबू इन्वर्टेड का मतलब उल्टा होता है, ठीक है ना, क्या होता है, उल्टा होगा, ई कैसे केस बाबू, सेकंड है, लिखो इसको, फिर थर्ड बता रहे हैं, सियोना ये लिख लिए सर, ये सियोना बाबू समझ में आएगा, सियोना, सियोना यस सर, समझ में आएगा बाबू, कल वाला लेक्चर नहीं वीडियो देखिए, कहीं थोड़ा सा टाइम नहीं मिला, नो सर, अरे शैतान सियोना, तो आपको टाइम देना पड़ेगा ना बाबू, तब ना समझ में आएगा, पहुंच गए गांव पे, घर पे बाबू, नो सर, कब पहुंचेगा, कल कल सुबह सुबह निकलूंगी,
अच्छा चलो ठीक है, देखिए बाबू समझ में आता फिर बताएंगे बाबू, टाइम मिलेगा तो क्लास मत छोड़े बाबू, शादी में चाहे चाहे कहीं भी जाए बाबू, अटेंड कर लेती तो क्या देखा, आपको लिखता नहीं है कि जो बैठ के बाबू आराम से पढ़ लेती, और इससे क्या होगा ना आपका बाबू ये होगा नाम होगा कि अरे देखो तो मेरी बेटी गा कहीं भी जाती है पढ़ते रहती, तो आप ही का ना नाम रोशन होगा, आपके मम्मी पापा का नाम सिंगल है क्या, ठीक है ना, पता नहीं बना सिंगल लगता नहीं, भाई भी शायद लगता है इसका, नहीं सर सर उनके पेरेंट्स लूज छोड़ दिए होंगे जैसे पापा मुझे पहले छोड़ दिए थे सर, अभी तो सर थोड़ा ठीक है, तो मन से पढ़े कहीं भी रहे बाबू, क्या एक घंटा तो करना है बाबू, कहीं जाना भी नहीं है, कर लेती कल वीडियो देख लेती तो बड़ा अच्छे से समझ में आता, फिर भी बाबू आ जाएगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं, समझिए लिख लिया बाबू, लिखी संजना सर, ओम शर्मा को देख ली, ए ओम शर्मा इसे इसके पापा को आज ऑन कर रहा हूँ सर, दो मिनट ऑन कर रहा हूँ, नहीं बाबू आज आपके पापा से जरूर बात करेंगे, नहीं सर मैं बंद किया हूँ सर, दो मिनट सर ऑन कर रहा हूँ, बंद नहीं करना क्लास में, एक घंटा नहीं बंद करना, तो बंद नहीं करता ठीक है सर, ऑन कर रहा सर, बंद नहीं करता वो अपने से हो जाता ठीक, केस नंबर थर्ड में पढ़ रहा हूँ सर, क्या करूंगा, केस थर्ड बाबू, केस थर्ड पीयूष थोड़ा बहुत समझ में आता है, पीयूष हाँ बाबू थोड़ा सा आता है, कल बाबू आएंगे पीटने के लिए, तैयार रहिएगा सर, आप ऐसा क्वेश्चन भी क्यों पूछते हैं, नेक्स्ट बाबू केस नंबर तीन, थ्री केस बाबू, थ्री केस, अभी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे बाबू, अभी ऑब्जेक्ट को रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, कहाँ रखेंगे बाबू सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, मतलब सर बाबू कहाँ सर, वेन द बाबू ऑब्जेक्ट इज बाबू, वेन द ऑब्जेक्ट इज बाबू, ऑब्जेक्ट मतलब क्या सर, कैंडल ले लो मार्कर ले लो है ना, कुछ ले लो बाबू, फिजिक्स में हम आप फिजिक्स के लैंग्वेज में क्या ऑब्जेक्ट है, व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, सर शायद मेरा दोस्त का सर क्लास ज्वाइन किया सर लेकिन लेफ्ट हो गया सर, उसको कुछ समझ नहीं आया, व्हेन द ऑब्जेक्ट बाबू इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, फालतू को क्यों बोलते बाबू, फालतू को थोड़ी ना आपका ही सेंचुरी करने के लिए बोल रहे थे, कौन ज्वाइन हुआ कौन, चलो ठीक है पहले पढ़ते हैं बाबू, ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखें बाबू, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे, म्यूट कर लो बाबू, किसका म्यूट है ठीक, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे है ना, ठीक सर, ठीक है ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखो, तो पहले क्या ड्रा करेंगे सर, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर ड्रा करेंगे, क्या करेंगे कनकेव मिरर ड्रा करेंगे है ना, ये मेरा कनकेव मिरर हो गया सर, ठीक है सर, यहां से एक बीच से प्रिंसिपल एक्सिस सर, इतना बार कनकेव मिरर ड्रा करो कि याद हो जाना चाहिए, ठीक ठीक बाबू, ये हो गया सर सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया सर, थोड़ा सा दूर में बना देते क्या दिक्कत है, मान लेते सर यहाँ पे क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अब बीच में क्या होगा फोकस होगा है ना, आई पोल हो जाएगा, अब ऑब्जेक्ट को यहीं पे रखना, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखना, कहाँ रखना है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखना, मतलब कैंडल को हमने कहाँ रखा सर, मार्क कर देते हैं क्या बाबू, सर फोकस को आप हम लोग कहीं भी मार्क कर सकते हैं, नहीं बाबू कहीं नहीं मार्क कर सकते, रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ पास होगा बाबू है ना, अरे फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ पोल के बीच में मार्क करना है ठीक ना, क्योंकि ये रेडियस ये क्या सर, मतलब जब तक रे ऑफ लाइट नहीं रहेगा तब तक हम लोग ये नहीं पता कर सकते कि उसका फोकस कहाँ है, बता सकते हैं बता सकते हैं आपको, बताएं बाबू कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है फोकल लेंथ का कितना होता है 2 times होता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर पता चल गया तो इसके बीच का जो मिडिल पॉइंट होगा वही मेरा क्या कहलाएगा फोकस कहलाएगा, फोकस कहलाएगा, बताए ना बाबू, हाँ सर बताया सर, बताए ठीक है, सब भी कंसेप्ट यूज करें, ये क्या होगा कैंडल होगा, कैंडल को कहाँ रखें सर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखें ठीक, तो पहला रे डायग्राम कैसे ड्रा करोगे, तो बार बार बोल रहे हैं रे डायग्राम इमेज ड्रा करने के लिए बाबू हमेशा दो रे यूज करना है ना, तो पहला रे आप लोग कैसे यूज करोगे, पहला रे बाबू प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल इंसिडेंट करवा, ये प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल हो गया,
तो आपको बताएं बाबू प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे जब भी इंसिडेंट कराओ तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास करेगा, फोकस से, तो इसको फोकस से पास करवाओ। ठीक है, ये कहाँ हो गया, फोकस से पास हो गया। ठीक, एक रे ऑफ लाइट को और कैसे करवाओगे, एक रे ऑफ लाइट को और कैसे कराओगे, तो अपने मन से सोचो एक रे ऑफ लाइट कैसे होगा। ठीक है, पोल से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पोल से भी कर सकते, पोल से भी कर सकते हो। सर जो सर हम लोग का कैंडल का लाइट है उससे सर नीचे जाके नहीं होगा, ये फोकस हो गया बाबू। ठीक है सर, पहले समझो समझो, अब आपको हमने चार रूल बताए रे ऑफ लाइट करने का, चार रूल बताया ना, तो दूसरा रे ऑफ लाइट होगा, दूसरा रे ऑफ लाइट जो होगा बाबू, दूसरा जो रे ऑफ लाइट होगा आप बाबू पोल से भी पास करवा सकते हो यहाँ से। अच्छा ठीक है, अब चल रहा है ना। ठीक है, सेकेंड जो रे ऑफ लाइट बाबू कहाँ, ये पोल पे इंसिडेंट होगा उसके बाद रिफ्लेक्ट होकर, तो जिस एंगल से इंसिडेंट होगा उस एंगल से देखो 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 समझो, आप लोग को कंफ्यूजन हो रहा है। अब हमको एक रे फर्स्ट रे हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेना, और सेकेंड रे कैसे लेंगे सर, सेकेंड रे कैसे लेंगे, तो बहुत सारा केस हो सकता है। ठीक है, डरना नहीं है, ये क्या हो गया, पोल हो गया, यहाँ पे मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, यहाँ पे हमने क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट रख दिया। शांति से देखो, यहाँ से रे ऑफ पास इंसिडेंट हुआ, पैरेलल है सर, तो कहाँ से पास करेगा सर, फोकस से पास किया, मान लो ये फोकस से पास किया। ठीक, अब दूसरा रे सर, दूसरा रे सर, दूसरा रे इसी में बताएंगे, दूसरा रे हम लोग कैसे करें सर, तो जो आपकी इच्छा वो करो, हमको मन कर रहा सर पोल पे इंसिडेंट, थोड़ा ब्लर दिख रहा है सर, थोड़ा अच्छा ठीक है, नहीं सर, अच्छा ठीक नहीं दिख रहा है। ठीक है, दूसरा रे सर हमको मन करा कि पोल पे इंसिडेंट करो, यहाँ पे इंसिडेंट करवाए। ठीक, तो जिस एंगल से इंसिडेंट होगा उसी एंगल से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जिस एंगल से इंसिडेंट होगा उतना एंगल से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। एक तो ये हो सकता है सर मेरा मन करा, दूसरा किसी का मन करा होगा सर, रे ऑफ लाइट को सर हम इंसिडेंट करवा रहे हैं किस पे बाबू, किस पे बाबू, फोकस पे, फोकस पे, तो अगर फोकस से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करवा रहे हो तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास करेगा, बताओ नारायण कहां पास करेगा वो, फोकस से इंसिडेंट हो रहा तो इस पॉइंट से रिफ्लेक्शन के बाद कैसे पास करेगा, चार गो रूल बताएं सर, मैं बताऊं सर प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे पैरेलल निकल जाएगा, जो चार को बताएं बाबू उसी से आपको यूज करना, आप पोल से पास करवाओगे तो जितना एंगल से इंसिडेंट करवाओगे उतना एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, अगर फोकस से पास करवा रहे हो तो फोकस से पास करेगा तो रिफ्लेक्शन के बाद कैसे हो जाएगा, तो चार को रूल बताएं ना, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, अरे शैतान रुको ना, फिर बाबू ये एक रिफ्लेक्टेड रे ये वाला सर, दूसरा रिफ्लेक्टेड रे ये वाला सर, जहां पे कट करेगा वहीं पे क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा, ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा, तो जो इच्छा वो कर सकते हैं बाबू। तो हमने पोल से पास करवा रहे हैं बाबू, हम कहाँ से पास करवा रहे हैं, पोल से पास करवा रहे हैं, फोकस से पास करवा रहे हैं, फोकस से पास कर, आपको पोल से इच्छा है तो पोल से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, नेक्स्ट बाबू, तो एक रे ऑफ लाइट को कहाँ से पास कराओ, पोल से, अरे फोकस से, फोकस से, फोकस से पास हुआ तो मिरर पे इंसिडेंट हुआ है ना बाबू। ठीक सर, अब इस पॉइंट से रिफ्लेक्शन होगा तो कैसे पास होगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, तो यही ना प्रिंसिपल एक्सिस है ये वाला लंबा वाला, इसके पैरेलल हो जाएगा। ठीक, इसके क्या हो जाएगा, वो पैरेलल हो जाएगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल हो गया। एक रिफ्लेक्टेड रे कहाँ बाबू, यहाँ पे एक रिफ्लेक्टेड रे ये वाला, एक रिफ्लेक्टेड रे ये वाला है ना, ये वाला। ठीक ठीक सर, एक रिफ्लेक्टेड रे बाबू ये वाला है ना, इसको थोड़ा सही से बना, ऐसा बनाए बाबू कि इमेज हमको यहाँ बनना चाहिए, इमेज मेरा यहाँ बनना चाहिए ना, इमेज यहाँ बनना चाहिए, तो ये बाबू आपका हो गया, ऐसे हो गया। ठीक, यहाँ पे बाबू कटिंग हो गया, और एक दूसरा बना लो, मन से पढ़ना है ना बाबू, एक इधर से ऐसे बाबू, ठीक यहाँ पे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड हो गया, और इधर से सैंड क्लॉक की तरह बना देना है। ठीक है, तो बाबू अब जो इमेज बन रहा है वो कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। ठीक है ना, ये मेरा क्या था सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ये पॉइंट क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर था, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, तो यही इसका क्या हो गया, इमेज हो गया, यही इसका क्या हो गया, शैतान इमेज हो गया है ना, यही इसका क्या हो गया, वो इमेज हो गया। ठीक है, तो यही तो बनाना, तो इस कैंडल का बाबू, इस कैंडल का आपका इमेज ऐसा बन गया है ना, ऐसा बन गया, तो ये जो इमेज बना बाबू जनरली सेम साइज का होता है बाबू, क्या होता है, सेम साइज, जितना साइज का ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही साइज का इमेज बनेगा, इमेज बनेगा है ना, थोड़ा सा डायग्राम आप लोग सही कर लीजिएगा, ऐसे सही है बाबू। ठीक है, ठीक है सर, समझ में आता है नारायण की नहीं आता है, ड्रा करो बाबू डायग्राम को, ड्रा करो नारायण, समझ में आता है बाबू,
उसका नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है, ठीक है? यस लिखिए बाबू, नहीं क्लियर दिख रहा बाबू, सर बना लिया सर डायग्राम। हाँ लिखो द रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, नहीं क्लियर दिख रहा नारायण, नारायण बाबू सर डाटा खत्म हो गया, डाटा खत्म हो गया बाबू, तब ना गड़बड़ है बाबू, आप भी बोल देते रिचार्ज करवा देते, 10 रुपए 15 रुपए का रिचार्ज कर लीजिए जियो का। द रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन बाबू फॉर्म एन इमेज, अभी कह रहा था 1 GB तुरंत में खत्म हो गया सैफान कहीं का, फॉर्म एन इमेज बाबू 150 MB बोले थे। अच्छा 150 MB बोला था, लेफ्ट हो गया सर डाटा खत्म हो गया बाबू तो। हाँ बाबू सर, ओम शर्मा भैया भी हंस रहे थे सर और लिख नहीं रहे थे सर, एकदम लोड पोस्ट रहे थे सर हंस हंस के। अच्छा ठीक है, काहे से करते हैं ओम शर्मा, देखो बाबू वहाँ वो बैठी हुई है ठीक ना, है सर वो सबको देख रहा है, मैं उसको कुछ नहीं बोल रहा हूँ सर, तो मेरा पीछे काहे पड़ल है, मैं थोड़ी ना पड़ल, मैं तो सच बता रही हूँ। हाँ बाबू सर सबसे छोटी है बाबू, आप लोग को खिंचाई करेगी ठीक है ना, सच बताओ ठीक है। चलो छोड़ो पढ़े बाबू पढ़ो, द इमेज बाबू फॉर्म, बोलिए संजना कुछ बोल रहे बाबू? नो सर। हाँ बाबू तो मन से फेयर करना बाबू, देखते हैं बाबू आपके यहाँ उधर से और जहानाबाद है कि औरंगाबाद है, जहानाबाद है, उधर से 3-4 को स्टूडेंट के यहाँ जाना है, तो गया आएंगे, जहानाबाद आएंगे, औरंगाबाद आएंगे, इस मंथ में तो अगले मंथ में जरूर आएंगे, इसलिए तैयार रहिएगा। द इमेज फॉर्म बाबू क्या लिखे हैं? एट पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से इंडिकेट करेंगे। द इमेज फॉर्म बाबू हैज बाबू सेम साइज, सेम साइज एज, तो तैयार रहेगा संजना पिटाने के लिए, सेम साइज बाबू एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, and it is babu real and inverted, यही characteristic याद रखना, कब real होगा सर, किस किस में real होगा, inverted होगा। केस नंबर 4 बाबू, 6 वो केस कम से कम खत्म करो सेता। एक मिनट में वीडियो बंद हो जाएंगे, वो पुनः कनेक्ट करना, रिचार्ज हो गया आनंद, एंड कर दीजिए सर, आनंद नहीं नारायण, नारायण नहीं, आप नारायण बाबू आनंद।